नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर के एस डी आर जी के जी एस स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे उन विश्व के 43 धर्मों में से एक प्रमुख धर्म जो कि है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे और मोहम्मद साहब के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि पूरे विश्व में इस्लाम धर्म की जो आबादी है वह है लगभग 25%। लगभग 25% पूरे विश्व में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो इस्लाम धर्म, इसमें हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के जो प्रमुख उपदेश हैं और मोहम्मद साहब के जो प्रमुख चीजें हैं जो उन्होंने बताई, ये अध्ययन करेंगे। और जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हर एक इस्लाम धर्म के मानने वालों लोगों को जो जानना जरूरी है वह सब हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारे जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था हजरत मुहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इनका जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में और मक्का 570 ईस्वी में मक्का के एक कुरैशी कबीले में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। और इनकी माता का नाम था अमीना। और इनके चाचा यहाँ इस नाते महत्वपूर्ण है क्योंकि जब ये मात्र 6 माह के थे तभी इनके पिता का डेथ हो गया और इनकी कुछ समय बाद इनकी माता का भी डेथ हो गया था, मृत हो गया और यह एक अनाथ हो गए। तो इनका जो पूरा लालन पालन है इनके चाचा, इनका नाम था अबू तालिब। इनके चाचा का नाम था अबू तालिब। और इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था खदीजा, इनकी पत्नी का नाम खदीजा था क्योंकि मोहम्मद साहब का जब विवाह हुआ था तो वह 25 वर्ष के थे और इनकी जो पत्नी थी यह एक विधवा थी। ये पत्नी क्या थी? ये विधवा थी जो कि लगभग 41 वर्ष की थी। तो इनका विवाह हुआ था। अगला है पुत्री। तो इनकी पुत्री का नाम था फातिमा। इनकी पुत्री का नाम फातिमा था और इनके दामाद का नाम था अली। और मोहम्मद साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वह 610 में, इन्हें ज्ञान जो प्राप्ति हुई थी वह 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्राप्ति के बाद यह 24 सितंबर 622 ईस्वी को ये मक्का से मदीना की यात्रा पे गए। मक्का से मदीना यानी गए। और इसी समय इसे मुस्लिम में हिजरी संवत लागू हुआ। इसी समय इस्लाम में ये हिजरी संवत लागू हुआ। हम जानेंगे इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ। तो इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है कुरान। और इस कुरान में 114 अध्याय हैं। इस कुरान में कितने 614 अध्याय हैं और 6360 इसमें पद्य हैं। हजरत मोहम्मद साहब ने इन कुरान
की शिक्षा भी दी है। हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के लोगों को कुरान की शिक्षा दी है, जिनमें पांच शिक्षाओं को हर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य होता है कि जो भी एक मुस्लिम है, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, उनको इन शिक्षाओं को मानना जरूरी हो जाता है, जिनमें पहला होता है कलमा। पहला क्या है? कलमा। इसमें यह बताया गया कि हर इस्लाम धर्म के लोगों को कलमा पढ़ना चाहिए, और इसमें यह भी बताया गया है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, और वही पूरे इस विश्व का निर्माता है। और इस कलमा को तौहीद भी कहा जाता है, इस कलमा को तौहीद भी कहा जाता है। अगला हो जाता है नमाज। अगला प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख है नमाज, कि हर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को दिन में हर रोज पांच बार नमाज पढ़ना जरूरी है। अगला है, तीसरा है रमजान के महीने में, रमजान के महीने में हर इस्लाम धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उन्हें रोजा रखना जरूरी है। अगला है जकात। यानी इसमें यह बताया गया है कि इस्लाम धर्म के हर लोगों को लगभग अपने जो कमाई है उसका 1/10 भाग, ठीक है, 1/10 भाग जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनको दान देना, जो गरीब हैं, असहाय हैं, उन्हें दान देना। इसमें यह भी बताया गया है कि यह भी सूचना मिलती है कि वार्षिक आय का 2.5% जो भाग है वो दान देना है। और अगला जो प्रमुख कर्तव्य है कि अपने जीवन काल में मदीना की यात्रा करना, अपने जीवन काल में यानी हज यात्रा मदीना जाना। जो भी इस्लाम धर्म के लोग हैं अपने जीवन काल में हज यात्रा के लिए मदीना वो जाएं। मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है वह 8 जून 632 ईस्वी को, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी की। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो है वो इस्लाम धर्म ये दो संप्रदायों में बट गया। इस्लाम धर्म के संप्रदाय, तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद ये इस्लाम धर्म दो संप्रदायों में बट गया, जो जिसमें पहला था सुन्नी और दूसरा था शिया। तो ये जो सुन्नी लोग थे ये सुन्ना में विश्वास करते थे, सुन्नी लोग सुन्ना में विश्वास करते थे, और ये लोग मोहम्मद साहब के जो बताए गए मार्ग थे उस पर ये अपना पालन करते थे। ये जो दूसरा ये शिया जो था ये अली की शिक्षाओं में ये विश्वास करते थे, या ये अली की उपदेशों में ये विश्वास करते थे, और ये सुन्नी मोहम्मद साहब। इसके बाद अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी जाती है। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी जाती है। उसके कुछ समय बाद अली के पुत्र जिनका नाम था हुसैन, इनकी भी 680 ईस्वी में
हत्या कर दी जाती है। इसके बाद हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वे खलीफा कहलाए। वे क्या कहलाए? खलीफा। हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाए। और ये खलीफा जो पद है यह 1924 ईस्वी तक रहा। खलीफा पद ये 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि 1924 ईस्वी के बाद तुर्क शासक मुस्तफा कमाल पासा ने इसे समाप्त कर दिया। इस्लाम धर्म का जो एक पर्व है जो कि मोहम्मद साहब के जन्म दिन को ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में यह हर वर्ष मनाया जाता है। इसके बाद भारत में जो इस्लाम धर्म का जो आगमन हुआ, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय ये हो जाता है। तो ये हो गई दोस्तों इस्लाम धर्म से प्रमुख चीजें जो हर प्रतियोगी परीक्षा में या हर एक इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को जानना यह जरूरी था। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।